29/5/2022 की एक घटना वादी हिमांशु पटेल द्वारा बताई गई थी कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जिसके संबंध में थाना बिथरी चैनपुर पर 30/5/2022 को FIR दर्ज कराई गई। कोर्ट में मामला आया, आरोप न्यायालय द्वारा विकसित किए गए दो लोगों पर, अभिषेक गुप्ता और कुंदन लाल। तारीख तो लगभग एक साल से लगभग पेंडिंग था ये, और एक साल की पेंडेंसी के दौरान कोर्ट में लगभग 8-9 गवाह पेश हुए। उन गवाहों ने जिस तरीके से घटना बताई थी उस घटना को साबित नहीं कर पाए वो। वहीं पीड़ित अभिषेक के वकील इमरान खान ने कोर्ट में 50 लाख रुपए मुआवजे की अपील की। जी मसी की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज तक कभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि ये आदमी धर्म परिवर्तन कर लिया और इसने लालच दिया या फिर भय दिखाया, इस तरह का कोई भी चीज हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो उधर साबित नहीं हो पाया है। बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन पहले से ये कोशिश होता आ रहा है। ये कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश जो मसीह विरोधी है उन लोगों ने करते आ रहे हैं, फंसाने के लिए मसीह लोगों को, बदनाम करने के लिए ये कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक कभी भी ये कोशिश कामयाब नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो भी इसी प्रकार का ही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक कोशिश हुआ है मसीह लोगों को फंसाने के लिए कोर्ट में जाकर और केस करने के लिए, और केस भी किया गया है लेकिन नाकामयाब रहे। तो ये किधर है, कौन ये सब किया और क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो घटना ऐसा है, हिमांशु पटेल नाम का एक मसीह विरोधी है, हिमांशु पटेल, उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। दो परमेश्वर के दास है, एक का नाम है अभिषेक गुप्ता और दूसरे का नाम है कुंदन लाल। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह का आदमी है, प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो उसी टाइम उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये देखो ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए इधर उन लोगों ने आए हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लोगों को भय दिखाते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दोनों के विरुद्ध उन्होंने केस कर दिया, हाई कोर्ट में केस कर दिया। और इसके साथ साथ 9 ऐसे झूठा साक्षी को उन्होंने भी हाजिर किया, जो उन्होंने टेस्टिमनी देंगे, झूठा टेस्टिमनी कि हम लोगों ने देखा है, इन लोगों ने पैसे दे रहे थे, हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो दो लोग हैं ये पैसे दे रहे थे, भय दिखा रहे थे और धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हमने दिखा है। ऐसे एक या दो नहीं, ये जो हिमांशु पटेल है जो मसीह विरोधी, इन्होंने 9 ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया झूठा बात बताने के लिए कोर्ट में, झूठा टेस्टिमनी देने के लिए कि हम लोगों ने दिखा है, अपने आंखों से दिखा है इन दोनों धर्म परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ पता है, लेकिन क्या हुआ, जब केस आगे बढ़ा, कोर्ट के अंदर वकील ने सवाल किए और केस आगे बढ़ा, तो ये जो 9 टेस्टिमनी जो दे रहे थे, 9 साक्षी थे धर्म परिवर्तन को लेकर, उन लोगों का किसी का भी किसके साथ मैच नहीं हुआ, किसका बात किसी के साथ भी मेल नहीं खाया। तो ये साबित नहीं हो पाया कि अभिषेक गुप्ता और कुंदन लाल जो परमेश्वर का दास है उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है,
ये कोर्ट में साबित नहीं हुआ और अभिषेक गुप्ता और कुंदनलाल दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई मसीह विरोधी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दे सकते हैं। कौन सा सबूत? धर्म परिवर्तन का सबूत। वो भी सबूत ऐसा होना चाहिए कि कोई परमेश्वर का दास किसी को धर्म परिवर्तन कर रहा है, कि वो कह रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, ऐसे कोई वीडियो क्लिप है क्या? अगर वीडियो क्लिप है तो आप साबित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनकर ये कह रहे हैं कि हाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था, हमने दिखा था, तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए, उसका सबूत भी होना चाहिए। तो ये घटना हुई थी तो कोर्ट में साबित नहीं हो सका कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो धर्म परिवर्तन क्या है? ये जो धर्म परिवर्तन का नाम जो है, ये पूरी तरह से झूठ है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं। ये हर एक मसीह भाइयों और बहनों को पता है। ये जो मसीह विरोधी होते हैं, उन लोगों का इरादा क्या होता है? उन लोगों का इरादा यह होता है कि मसीह समाज आगे ना बढ़े, क्रिश्चियनिटी इंडिया में ना फैले, ये उनका सोच है, ये उनका इच्छा है। इसलिए उन लोगों का पूरी कोशिश रहता है कि हम क्या करेंगे, कोई भी झूठा गवाह हम पकड़कर उसी के द्वारा हम साबित करेंगे, देखो ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये करके हम एक भय को पैदा हम करेंगे और उस भय को देखने के बाद कोई भी मसीह समाज धर्म परिवर्तन करने के लिए हिम्मत नहीं करेगा। ये उनका टारगेट है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा काम क्या है। हमारा काम किसी धर्म परिवर्तन करना नहीं है। हमारा काम क्या नहीं है और क्या है, दो पॉइंट में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले मैं बताने वाला हूँ हमारा काम क्या है। हमारा काम ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सिर्फ प्रचार करेंगे। और सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस जगत में आए और क्रूस पर बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, और उनको मार दिया गया क्रूस पर, उनका कब्र के अंदर रखा गया और उनका उसके बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर गए और फिर आ रहे हमें साथ लेने के लिए। यही सुसमाचार, सिर्फ यही हम प्रचार करते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, अब मैं बताता हूँ। हम ये करते हैं लेकिन क्या नहीं करते हैं? तुम पैसे ले जाओ, तुम धर्म परिवर्तन कर दो, क्रिश्चियन बन जाओ, हमारे चर्च में आ जाओ, तुम इतना रुपया दो, उतना ही रुपया दो। बहुत सारे मसीह विरोधी लोग ये कहते हैं कि तुम पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि मसीह समाज ऐसे कोई भी घिनौना हरकत कभी नहीं करते हैं। तुम पैसे लो, तुम धर्म परिवर्तन करो। तो इसीलिए अगर ये तो एक केस गया, अगर भविष्य में कोई भी केस होगा मसीह लोगों के ऊपर, वो भी नाकामयाब होगा, क्योंकि मसीह समाज जो है इस तरह का घिनौनी हरकत वो कभी भी नहीं करेंगे। जी हाँ, हमारा काम सिर्फ सुसमाचार देना ही हमारा काम है, लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि तुम पैसे लो, तुम अपना धर्म बदल दो। सिर्फ धर्म बदलने से क्या होगा, मन भी बदलना चाहिए। जी हाँ, ये हम चाहते हैं मन परिवर्तन, धर्म नहीं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने पहले देखा एक टेस्टिमनी, एक वीडियो क्लिप आपने देखा, तो
कैसे कोर्ट में मसीह विरोधी हार गए, उन लोगों का जीत नहीं हुआ, उन लोगों ने हार गए। और जीत किसका हुआ? परमेश्वर का जो लोग थे, अभिषेक गुप्ता, कुंदन लाल, उनका जीत हुई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। सबको जय मसीह की।